वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर दस्तरखान बिछाने के लिए भेजा गया है। तो ये देखिए अपनी जुबान में ये पता नहीं क्या क्या बोल रही है अर्शी। और ये देखें, यहाँ दस्तरखान बिछाने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये दोनों अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये भी कुछ बोल रही है। हेलो बोलो ऐसे। और फिर जी ये देखें जी, अब हम जाते हैं किचन में, देखते हैं मामा जो है वो क्या कर रही हैं। ये देखें जी, पापा भी आज जो है उठ गए हैं, थोड़ा लेट उठे हैं जो है ना। आज जो है, आज जो है ना छुट्टी हुई है। ये देखें जी, पापा ने भी आज छुट्टी की है। पापा की तबीयत जो है ठीक नहीं है, और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, भाई की भी, तो उसने भी आज छुट्टी की है। ये देखें, हम किचन में आ गए हैं। मामा जो है मेरे ख्याल से कर रही हैं लस्सी की तैयारी। ये चीनी डाल दी है मामा ने, और ये है दही और ये है दूध। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं। तो स्टार्ट हो चुका है हमारा आज का व्लॉग। तो हम बना रहे हैं लस्सी, क्योंकि मेरे मियाँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि उनको बुखार है। तो वो कह रहे हैं मुझे लस्सी पीनी है, चाय नहीं पीनी। वैसे भी हम गर्मियों में चाय जो है कम पीते हैं, बहुत कम। तो मैं बना रही हूँ लस्सी, और आज हमने मंगवाई है ये हलवा पूरी गरम गरम। नाश्ते में आज हमारे है हलवा पूरी। तो जिसने नाश्ता करना है आए तशरीफ लाए। नहीं निकाली, बर्फ निकाले हैं। पापा जो है बर्फ निकालने लगे हैं। मामा तो कह रही है मैंने पानी की बोतलें नीचे रखी हैं। एक मैंने मोबाइल। पापा जी बर्फ और नहीं बच्चे कहते हैं लस्सी में जो है झाग ज्यादा होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि सरफ डाल दूँ, इन्हें झाग ही झाग देती हूँ लस्सी में। हमारी मामा को झाग पसंद नहीं है, वो कहती है बस दूध और दही मिक्स करके बस और लस्सी पी ले। और मामा का ही पसंदीदा खाना जो है वो चलता है, और वही चीजें मुझसे सीखी हैं, और मुझे ये लोग बातें बनाते हैं जी। हमने बातें दरअसल मामा जो है ना बनाना भूलती जा रही है। ये मलाई उतार के मैं बनाना नहीं भूलती जा रही। आने लगा है जो झाग बनते हैं ना, वो बनते हैं बर्तनों कड़वी टाइप, उसमें बनते हैं। तो इसमें जो है बनते नहीं है। अच्छा, ये मैं लड़का मारती हूँ तो ये भाई नहीं खाता ये देखें जी, ये कल हमें कोई आंटी जो है ये देखकर गई हैं। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम ये बनाएंगे, आप बताएं कि ये क्या हो सकता है। देखें जी, ये नानो के पास ये हलवा पूरी लेकर जा रही है, इससे उठाया नहीं जा रहा है। और ये देखें, ये चीजें आ गई हैं। ये देखें जी, ये रस्सी जो है ये रेडी हो गई है। ये देखें, ये मक्खन बनना शुरू हो गया है, झाग आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले अच्छी तरह से इनको झाग झाग बना कर देते हैं, और अच्छे लगते हैं। झाग से लस्सी का जायका और अच्छा बन जाता है। पानी जो है हम लोग दही डालते हैं, इसमें दूध दही डालते हैं। ये देखें, क्योंकि जो हम बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ शामिल करते हैं इसमें, उसी का पानी बन जाता है, तो हम लोग पानी नहीं डालते। ये देखें कितनी अच्छी लस्सी और गाढ़ी गाढ़ी लस्सी तैयार हो रही है। और गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में तो लस्सी अच्छी लगती है। पिछले दिनों मौसम अच्छा हो गया था, और परसों से फिर इतनी शदीद गर्मी हो रही है, तो क्या करें। अब ये मैं निकालने लगी हुई हलवा पूरियाँ। मेरा बेटा चावल नहीं लेकर आया, ये ले आया है। तो ये देखें जो मैंने आवाज़ दिया, ये हर वक्त पंगे लेती रहती है चीज़ों में। चने के लिए बोल लेकर मुझे, और ये है जी ट्रे में लेकर आते हैं। ये है जी सलाद, जो हलवा पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मैंने भी चलिए नहीं लगाई है, तो वो भी लगानी है, फिर मैं करूँगी नाश्ता अपना स्टार्ट। और ये है जी हलवा, तो ये हलवा भी बहुत अच्छा लगता है, खोए वाला हलवा होता है। तो इसके लिए चम्मच नहीं लाया मैंने, बेटे को ऐसी चीज़ बतानी पड़ती है, ना डोंगा लाया है।
इसमें करना है। कितना ज़बरदस्त देखे जी, हलवा है और खोया भी इसमें शामिल करके देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये खोए वाला हलवा। गुजरा वाले में आए और हम आपको करवाते हैं नाश्ता अच्छे से। खोए थे मलाई वाला हलवा आ गया, तो सलाद आ गई है, हलवा पूड़ियाँ आ गई हैं, यह लस्सी हैगी है, तो ऐसे ये चने ऐ कर लगे असी बोल च। मैं पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है तो मैं चवला मारन लगी हूँ। ये देखो जी, मामा ने जो है चने बॉल में निकाल लिए थे और ये कटोरी में इसे भी दे दिए हैं और उधर भी निकाल लिए हैं और ये हम नाश्ता करने लगे हैं। देखिए सलाद के साथ अचार भी है, तो मज़ेदार नाश्ता। अल्लाह पाक सबको दे, सबको अल्लाह ताला दे अच्छी जिंदगी, अच्छे नाश्ते, अच्छे खाने और इबादत करने वाला बनाए हम लोगों को। और हमारे जो चैनल हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आपको जल्द से जल्द मिल सके। उधर है मशीन तो बाहर बहुत आम हो गया है गर्मी की वजह से, तो एहतियात करें, बाहर निकलने से ज़्यादा जो है प्रेस करें आप, क्योंकि बुखार बहुत चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड को भी आज बुखार है, इसलिए हम लोगों ने ऑफिस नहीं जाने दिया। शुरू करें जी नाश्ता और सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आओ नाश्ता करते हैं, सब लोग आ जाएं नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, हमला पूरी इसने नया नाम रखा है, इसने बोला है हमला पूरी। वो देखे उसे कितनी समझ आई है।